सम्मानित सभी लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं विधायक विधुना श्री विनय शाक्य पुत्री रिया शाक्य हूँ। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने उच्च स्तर पे डॉक्टर पैनल टीम बनाकर मेरे पिताजी का इलाज करवाया और स्वयं मेरे पिताजी को 4 से 5 बार पीजीआई अस्पताल में देखने आए। मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। हम लोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है, वह कहाँ हैं, किस हालत में हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे पिताजी का तत्काल पता लगाकर हम परिवारजनों से उन्हें मिलवाया जाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।